हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पॉट। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से स्पोकन इंग्लिश डिस्कस करेंगे। बेसिकली दिस इज़ फिफ्थ पार्ट। इससे पहले मैं 4 वीडियोस और बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियोस को देखें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से किसी व्यक्ति से जान सकते हैं, किसी व्यक्ति से क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनके पास कोई चीज़ है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास एक पेन है, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, क्या आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास लैपटॉप है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए कि किसी व्यक्ति के पास वो चीज़ है या फिर नहीं है, आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि उनके पास वो चीज़ है या फिर नहीं है, तो आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे डू यू हैव, और उसके बाद जिस भी चीज़ को आप जानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, पेन, एक्स्ट्रा मनी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, आप यहाँ पर उस चीज़ का नाम लिख दीजिएगा, राइट? तो आप जान सकते हैं डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है, या फिर आप कह सकते हैं हैव यू गोट मोबाइल। इस सेंटेंस को पूछने के दो तरीके, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। अगर आप हैव यू गोट कहते हैं, वह भी सही है। अगर आप डू यू हैव कहते हैं, वह भी सही है। अगर आप कहना चाहते हैं हैव यू गोट मोबाइल, तो आप कह सकते हैं आपको यहां पर उस चीज का नाम लिख देना है सिंपली, ओके? इसी तरह से जब आप रिप्लाई करेंगे तो आपको रिप्लाई करने में आई हैव लिखना होगा। अगर आप खुद से बोलना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास है, राइट, तो आप कहेंगे आई हैव, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप यहां पर लिख देंगे, जिस भी चीज के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से इस वाले सेंटेंस में देखिए, आप कहेंगे आई हैव गोट, उसके बाद जो भी पूछ रहा है सामने वाला व्यक्ति, आप यहां पर उसको लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की ही बात करते हैं, किसी ने कहा डू यू हैव मोबाइल, तो आप कहेंगे आई हैव मोबाइल। किसी व्यक्ति ने अगर कहा हैव यू गोट मोबाइल, तो आप कह सकते हैं आई हैव गोट मोबाइल। इस तरह से आप आंसर कर देंगे। और अगर आप रिप्लाई निगेटिव में देना चाहते हैं, यानी आप कहना चाहते हैं नहीं है, यानी नो कहना चाहते हैं, उसके बाद आप रिप्लाई देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव मोबाइल, यानी कोई भी चीज यहां पर, या फिर आप कह सकते हैं आई हैव नॉट गोट मोबाइल, या फिर आई हैवंट गोट मोबाइल, आई हैवंट गोट मोबाइल। इसी तरह से आप इन सभी सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। देखिए, एग्जांपल से सीखते हैं। डू यू हैव मोबाइल, तो आपका आंसर हो जाएगा आई हैव मोबाइल, या फिर हैव यू गोट मोबाइल, आप कह सकते हैं आई हैव गोट मोबाइल। अगर आंसर निगेटिव में देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव मोबाइल, या फिर आई हैवंट गोट मोबाइल, या फिर आई हैव नॉट गोट मोबाइल, या फिर आई हैवंट गोट मोबाइल। आप यहां पर हैवंट ही बोलिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता आई हैव नॉट गोट मोबाइल, इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगता। आप कहिए आई हैवंट गोट मोबाइल, दोनों को एक साथ करके बोलिएगा, और यहां पर आप कहेंगे आई डोंट हैव मोबाइल। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू हैव स्पेयर पेन। देखिए, मैं जो सिंपली यूज करता हूं, मैं ये वाला तरीका यूज करता हूं, तो आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको एक ही तरीके से बताऊंगा, आप दूसरे को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, राइट? तो मैं आपको डू यू हैव वाले तरीके से ही एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, अगर आप कहना चाहते हैं डू यू हैव स्पेयर पेन, स्पेयर पेन का मतलब एक्स्ट्रा पेन, अतिरिक्त पेन, डू यू हैव स्पेयर पेन, तो आपका रिप्लाई हो जाएगा आई हैव स्पेयर पेन, या फिर आई डोंट हैव स्पेयर पेन, ओके? नेक्स्ट सेंटेंस देखे, डू यू हैव लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप है, आंसर हो जाएगा आई हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है, या फिर आई डोंट हैव लैपटॉप। नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव 100 रुपीज चेंज, क्या आपके पास 100 रुपीज चेंज हैं, यानी आपके पास 100 रुपीज खुले हुए हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव गोट 100 रुपीज चेंज, या फिर आई हैव 100 रुपीज चेंज, या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट हैव 100 रुपीज चेंज। इस तरह से आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस जो यूज होता है, ये सेंटेंस आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, उस सेंस में भी यूज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जानना चाहता है डू यू हैव फीवर, क्या आपको फीवर है, तो आप कह सकते हैं आई हैव फीवर, या फिर आई डोंट हैव फीवर।
यानी कोई भी किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डू यू हैव, उसके बाद आप यहाँ पर उसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई में भी आपको यहाँ पर ऐड करना है आई हैव, उसके बाद जो भी चीज़ है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव रिप्लाई में भी आई डोंट हैव तो आपका फिक्स रहेगा, और जो भी चीज़ आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव इंग्लिश नोट्स, क्या आपके पास इंग्लिश नोट्स हैं? आप कह सकते हैं आई हैव इंग्लिश नोट्स या फिर आई डोंट हैव इंग्लिश नोट्स, राइट? इस तरह से आप बोल सकते हैं, या फिर आई हैवंट गोट इंग्लिश नोट्स या फिर आई हैव गोट इंग्लिश नोट्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है? आप कह सकते हैं आई हैव गोट पासपोर्ट या फिर आई हैव पासपोर्ट, और अगर निगेटिव में रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई हैवंट गोट पासपोर्ट या फिर आई डोंट हैव पासपोर्ट, राइट? आप आई डोंट हैव पासपोर्ट भी बोल सकते हैं या फिर आई हैवंट गोट पासपोर्ट भी बोल सकते हैं, जो दूसरा वाला तरीका था। नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है? तो आप कह सकते हैं आई हैव प्रॉब्लम या फिर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट? नेक्स्ट देखिए, डू यू हैव कीबोर्ड, क्या आपके पास कीबोर्ड है? आप रिप्लाई दे सकते हैं आई हैव कीबोर्ड या फिर आई डोंट हैव कीबोर्ड। इसके अलावा मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखा देता हूं जो आप यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में। देखिए, आप मोबाइल के लिए बोल सकते हैं डू यू हैव मोबाइल, डू यू हैव लैपटॉप, डू यू हैव बाइक, डू यू हैव अडैप्टर, डू यू हैव फीवर, डू यू हैव प्रॉब्लम, डू यू हैव स्पेयर पेन। इस तरह से आप इन सभी वर्ड्स को यूज करके देखिए अपने सेंटेंस में, और इन्हीं के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आपका पार्टनर हो आप उसके साथ इन सभी सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ सेंटेंस दिखाना चाहूँगा जिसके द्वारा आप किसी के भी फोटो की तारीफ कर सकते हैं, किसी व्यक्ति की तारीफ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति की तारीफ करना चाहते हैं, किसी फोटो की तारीफ करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं दैट इज़ अ टेरिफिक फोटो, हु क्लिक्ड इट, आपका जो फोटो है वो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है, किसने क्लिक किया? अब क्लिक करना ये सेंस में यूज होता है कि किसने फोटो खींचा, राइट? तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये टैरिफिक जो है एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मीनिंग होता है भयानक, लेकिन जब आप फोटो की तारीफ करते हैं तो इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप बोल सकते हैं दैट इज अ टैरिफिक फोटो, हु क्लिक्ड इट, बहुत खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त आपका फोटो लग रहा है, किसने क्लिक किया? इस तरह से आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाओ यू लुक स्टनिंग, देखिए स्टनिंग जो वर्ड यूज होता है ये फीमेल के लिए यूज होता है। अगर आप किसी मेल के लिए कोई वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप हैंडसम बोल सकते हैं, राइट? लेकिन जो जनरली यूज होता है ये स्टनिंग वर्ड, ये ब्यूटीफुल की तरह आप इस वर्ड को यूज करते हैं, ये फीमेल के लिए ही यूज होता है, मेल के लिए यूज मत कीजिएगा, राइट? तुम अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं, राइट? स्टनिंग। नेक्स्ट देखिए, यू लुक अमेजिंग, ग्रेट पिक्चर, आप इस तरह से बोल सकते हैं। जनरली आपको इस सेंटेंस का तो पता भी होगा, लेकिन आप इस सेंटेंस को भी यूज कर सकते हैं, गजब लग रहे हो आप, राइट? नेक्स्ट देखिए, यू लुक एडोरेबल, आप बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, राइट? इसका इस प्रकार का सेंस निकलता है। नेक्स्ट, यू लुक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, देखिए इस सेंटेंस का जो यूज किया जाता है इससे दर्शाया जाता है कि आप सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, राइट? अगर आप किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, राइट? इससे यही सेंस निकलता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं या फिर आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। नेक्स्ट देखिए, वाओ यू आर गॉर्जियस, देखिए ये सेंटेंस भी फीमेल के लिए बोला जाता है। आप अगर इस सेंटेंस को यूज करना चाहते हैं तो आप फीमेल के लिए ही यूज करें, राइट? आप इस सेंटेंस को फीमेल के लिए यूज करें क्योंकि ये मेल के लिए यूज नहीं होता। अगर आप मेल को बोलना चाहते हैं, मेल को अप्रिशिएशन देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे यू लुक हैंडसम, राइट? अगर आप कहना चाहते हैं किसी फीमेल को तो आप उसके स्थान पर गॉर्जियस यूज कर सकते हैं या फिर स्टनिंग यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ तो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।